बाकी हम बैठे आप इसे रेफरेंस दीजिए कि हम वंशिका मैम की तरफ से आए हैं, उसके बाद आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं यार मैं सच्ची डाइटिंग कमल में फॉलो नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही है कमल ने गाड़ी पार्क कर दी है। हेलो गाइस कैसे हो आप, देख रहे होंगे मैं कौन। अच्छा मैं आज वंशिका की साइड से व्लॉग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरा नाम कमल है, शायद आप जानते हो या ना जानते हो। और ये वंशिका जी हेलो तो बोल दो। हेलो अपने व्यूअर्स को। तो आज आप ही बात करिए, मैं मेरे को तो फोन नहीं ले लिया मेरे हाथ से, बताओ ना इंसाफी की जॉब मैं शुरू करूंगा पता नहीं। आज मैं शुरू करने की सोच रहा था आप लोगों को, ऐसे मुझे भी आना चाहिए कभी कभार। ऐसा क्यों? तो आज हमारी जो मैडम है ये कहाँ पे जा रही है मुझे नहीं, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मेरी डिटेल्स मेरे पास नहीं होती, सारी डिटेल्स इसके पास होती है। तो मैं बता देता हूँ, मैडम को अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि मैडम की सारी मीटिंग्स मैं फिक्स करता हूँ। तो मैडम आज जा रही है एक कैफे के प्रमोशन के लिए, देखते हैं बताइएगा आप भी कैसा लगेगा। वो कैफे नया खुला है अभी 18 तारीख को, वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे मैडम के लिए इनविटेशन आया है कि प्रमोशन करना है। वहीं पे जा रहे हैं आप भी, हमारे व्यूअर्स देखेंगे ना उस चीज को, तो नाम तो हाईलाइट कर सकते हो ना। हाँ। नाम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बूहो कैफे मायापुरी। ओके हाँ जी मुझे भी पता चल गया इस बार। तो चलो चलते हैं गाइस, बने रहिए साथ में। गाइस तो बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं, लेट्स गो। ये क्या है कमल इतना बड़ा? ये है पीतमपुरा में टीवी टावर। इससे सारे टीवी चलते हैं? अरे नहीं पता नहीं क्या है ये, नेशनल डीडी नेशनल की रेंज दे रहा है। मुझे डीडी नेशनल चलता था, इसी से चलता था। देखो कितना बड़ा है ये, कितनी दूर है यहाँ से। ये सबसे ऊंची इमारत है दिल्ली की। हाँ दिल्ली और आसपास के क्षेत्र होगी। इमारत में आता है ये भी? बिल्कुल इमारत में आता है ये। ओह माय गॉड चले फिर बहुत। ये इतना लंबा है कि इसके अंदर 4 से 5 कुतुब मीनार आ जाएंगे। तो गाइस मुझे इस लड़के ने बहुत ज्यादा पका दिया है। ये वाले एक ही टाइप के गाने चलते हैं हमारी गाड़ी में, रोमांटिक से 1920 वाले चलते रहते हैं। और इतना गंदा ट्रैफिक लग रहा हुआ है यहाँ पे, ट्रैफिक देखो कितना गंदा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, सारे में जाम, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। गाड़ी चल गई धीरे, टुल्लक 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 करके चल रही है, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। और मेरे को इतनी तेज नींद आ रही है ना, बहुत तेज। कल देखो मेरी कैसी हो चुकी है, इतना ही बहुत खूबसूरत और ऊपर से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, पता है मुझे वो मन कर रहा है सो जाए, इतना बोर कर दिया तूने मेरे को। अच्छा मैंने बोर कर दिया। गाइज हम आ चुके हैं बूहू के बाहर, बूहू कैफे के बाहर, और ये कमल ने गाड़ी पार्क कर दी है और ये कमल यहाँ पे बतिया रहा है। फिर हम जा रहे हैं अंदर, एंट्री कर रहे हैं, हम लिफ्ट से जाएंगे ना। बुहो, ये रॉकिंग वाला लगाने की क्या जरूरत थी इस पे? वेलकम कैफे। ये देखो कैसे डिजाइनिंग वाले बल्ब लगा रखे हैं इन्होंने, बल्ब ही बोलते हैं। कौन से फ्लोर पे? हेलो गाइस आप देख रहे होंगे भाई भी, अभी हम गाड़ी में बैठे हैं है ना, देखो और ये मोहतरमा आसरी है। वो एक्चुअली क्या हुआ, जब हम अंदर जा रहे थे, हम अंदर पहुंच भी गए थे, हम अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर रहे थे और प्रमोशन भी, तभी एक मेरे को कॉल आ गया मेरे बैंक की तरफ से, तो मुझे जाना पड़ा अर्जेंट, मैडम को भी लेके गया और वहाँ पे 3-4 घंटे का काम था। और अब आते आते शाम हो गई, अब सर्दियों में वैसे भी रात कहाँ, शाम ही तो है अभी, तो कौन सा 10 बज गए। हाँ तो सूरज अभी सर्दियों में जल्दी चला जाता है ना। तो अब हम दोबारा से आए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें आज प्रमोशन करना था, मतलब मुझे नहीं वंशिका जी को, नहीं, नहीं, आपको ना 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 मुझे प्रमोशन नहीं करना,
मैं तो बैक एंड पे काम कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर, अभी दिखाएंगे आपको। गाइस हम फाइनली अंदर आ चुके हैं, हमने अपना टेबल ले लिया, पकड़ लिया टेबल। बहुत मुश्किल से आज ये सारा कुछ मैसी मैसी सा हो गया सब कुछ, तो इस टाइम पे हम पहुंचे। और फिर हमें एक चीज़ बाद में पता चली जब हम प्रमोशन करने के लिए आए कि लाइक ये ओपन भी लेट होता है, तो फिर हमें लगा कि चलो जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ हमारे, मतलब भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है ना कम्मा। हाँ जी, लाइक आपके पास भी वर्क आ गया, तो सोच रहे हैं कि अब हम ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ये कैफे अच्छा बना हुआ है ना। यहाँ पे फैमिली के लिए भी है बड़ा बड़ा, मतलब तुम देखो कितनी सारी है, स्पेस कितना दिया हुआ है ना। हाँ, डिम भी नहीं है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली भी नहीं है, जो वो एकदम लगता है बहुत ही यमी यमी सा खाना आ चुका है टेबल पे, और मेरे से कंट्रोल हो रहा है और हमेशा की तरह। और वैसे भी मेरी तो इस टाइम डाइटिंग चल रही है, तो मेरे से तो कंट्रोल होता ही नहीं है। लाइक मैं आज ये ना नाम नाम की डाइटिंग नहीं यार, मैं सच्ची डाइटिंग कमल मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही है। No doubt. बोल रहा, अगर ऐसे बोलना है ना तो मैं रेगुलर खाऊंगी, देख लेना। नहीं नहीं नहीं, अरे 4 किलो वेट भी लूज हो चुका है ऑलरेडी, मैंने 2 बता रखा है ऑलरेडी उनको। अच्छा, मैं तो बड़ा चढ़ा के बता रहा था मोटिवेट करने के लिए। खा लूं फिर मैं? हाँ बिल्कुल खाओ। तुम नहीं खाओगे? हमारी वजह से इनका डीजे बंद हो रखा है, क्योंकि हमें व्लॉग शूट करना था, मैंने सेटअप कर रखा था इन्होंने। बहुत अच्छा कैफे यार, विजिट करना अपनी फैमिली के साथ अगर आप। ये है मायापुरी में, पहुंच जाए तो पहुंच पाए जाए बोल रही हूँ मैं भी। सिटिंग बहुत अच्छी है यहाँ की, है ना? बहुत ओपन है, रूफटॉप है, काफी बड़ा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं कमल की तरह इतनी कंट्रोल नहीं करती, आ गया तो खा पड़ो बस, टूट पड़ो लाइक, मतलब मेरा। तो गाइस खाना हो चुका है ऑलमोस्ट, बच चुका है अभी, इसको सोचते थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए तब खाऊंगी। अभी मैं ड्रिंक ग्रहण कर रही हूँ, वाटरमेलन बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत यूनिक सा टेस्ट है। मिक्सअप है ना वाटरमेलन में कुछ, हाँ एक और फ्लेवर है दूसरा लग रहा है, और इसमें ये वो है शायद। तो आपको कैफे कैसा लगा वंशी का? कैफे तो बहुत अच्छा है, मतलब खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ओपन भी है सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, एम्बियंस अच्छा है यहाँ का। हाँ, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग भी नहीं रहा है, थोड़ी सर्दी भी हो रही है ना, सर्दी का एहसास हो रहा है, लग ही नहीं रहा दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोपहर के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा होती है यार, अभी भी एसी चलती है कार बट इवनिंग में आते आते अब रात हो रही है ना, तो अब तो ठंडी लग रही है, मतलब लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कोट वेयर करके आना चाहिए था, और ऊपर से ये भी ठंडा है। कोई नहीं, एंजॉय करो, ये लाइट कितनी प्यारी है ना। हाँ ये लाइट बहुत प्यारी, ऐसे करते ये फूड के लिए है ना स्पेशल। ओके सो गाइस, फूड भी हो गया, ड्रिंक भी खत्म कर दिया मैंने, बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म हो चुके, तो अब हम यहाँ से चलेंगे घर की तरफ। और उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, आप यहाँ पे वाओ क्या नाम है, बुहो कैफे विजिट कीजिए नाम बहुत जल्दी बोल नहीं, एक्चुअली मैडम ना थोड़े नाम के चक्कर में कंफ्यूज रहती है हमेशा, बहुत ज्यादा रहती हूँ नाम और रास्ता में, रास्ते में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो हम बुहो कैफे में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे विजिट कीजिएगा। कहाँ पर है कमल आप लोग? मायापुरी में। हाँ जी, और अगर आप मेरे नाम लेके मतलब यहाँ पे आएंगे मिल चुका में, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और ये बात ये बोलते हैं बाकी हम बैठे आप इसी रेफरेंस देंगे कि हम वंशिका मैम की तरफ से आए हैं, उसके बाद आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है ठीक है, मेरा नाम ही काफी है। Oh my God, समझ रहे हो आप? तो गाइस जरूर विजिट कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, बहुत मतलब फूड बहुत ही मजा आने वाला है टोटल। हाँ बहुत ज्यादा, और यहाँ के ऑनर इतने फनी है, देखो आपको सोचो कितने मतलब नहीं, आपको यहाँ के ऑनर से मिलकर भी बहुत अच्छा लगेगा, डाउन टू अर्थ वाली चीजें होती है ना वो चीजें, ऐसा बहुत अच्छा है सब कुछ। आप कुछ भी अगर आपको मतलब कुछ शिकायत भी होगी तो ट्रैक कीजिएगा, है ना, एकदम सॉल्यूशन है ऑन द स्पॉट, हैंड टू हैंड लिया जाए, हम खुद खड़े हैं, खुद करें गाइस का जरूर। ओके गाइस लव यू। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, मैं चेंज करने वाली हूँ, तो मैं सोचा उससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, टीवी के बाद भी आ रही होगी। हाँ क्योंकि बैकग्राउंड में दिल्ली चल रही है, देखो पता नहीं मम्मी क्या क्या करके देखती रहती है।
तो गाइस हम घर आ चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। लव यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।